हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ का मैरीगोल्ड बुक से चैप्टर फर्स्ट, निहाज अलार्म क्लॉक। तो जब हम सुबह उठते हैं तो बहुत से लोग अलार्म लगा के सोते हैं जिससे कि हम सुबह जल्दी उठ जाएं। बहुत तो को इतना अच्छा लगता है सोना कि अलार्म बजती रहे, लेकिन वो बंद करके दोबारा सो जाते हैं। तो बस आज हम इस कहानी में देखेंगे कि निहाज अलार्म क्लॉक क्या करती है और नेहा को वो कैसे परेशान करती है। चलो स्टार्ट करते हैं। नैरेटर, तो इसमें जो नैरेटर है, नैरेटर किसको कौन होता है जो हमको कहानी बताता है, तो वो हमको कहानी बताएगा कि इसमें नेहा कैसे रिएक्ट करती है। तो स्टार्ट करते हैं। नैरेटर बोलता है, रिंग 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 ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 इन द मॉर्निंग। जो नेहा की अलार्म क्लॉक है वो सुबह 6 बजे बजने लगती है। कैसे बजने लगती है? रिंग रिंग रिंग। नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विद अ पिलो स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट। नेहा क्या करती है, जैसे ही उसको अलार्म की आवाज़ सुनाई देती है, वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना के अपने कानों, तकिए से कानों को छुपा के और जो वार्म ब्लैंकेट ओढ़ गई उसके अंदर और घुस जाती है। बट सी नोज ही हैज़ टू गेट अप, सी मटर्स टू हर सेल्फ। बट कहीं ना कहीं उसको ये पता था कि उसको उठना पड़ेगा और वो खुद से ही बड़बड़ाने लगती है। नेहा क्या कहती है, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड। ये अलार्म क्लॉक डेली ही सुबह 6 बजे बज जाती है और मुझे बेड से उठा देती है। इट इज़ सो अनफेयर, ये बहुत गलत बात है। ओह हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। मुझे कितना अच्छा लगता है सुबह सोना, मॉर्निंग में मुझे थोड़ी देर और सोना कितना अच्छा लगता है। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम। काश ये जो अलार्म क्लॉक है वो कभी अपनी जॉब भूल के कभी बजे ही ना, भूल ही जाए कि मुझे 6 बजे बजना है। फिर नैरेटर बोलता है, नैरेटर समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स, कुछ गिरा। तो नेहा मुस्कुराती है। नेहा क्या बोलती है, ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन, हाउ हैप्पी आई एम। वो कहती है, वाह मेरी घड़ी गिर गई, मैं कितनी खुश हूँ। टुमारो आई कैन गेट अप लेट, कल मैं लेट उठूँगी। नैरेटर, नेक्स्ट मॉर्निंग देर इज़ नो अलार्म। तो अगले दिन क्या था कि वहाँ कोई अलार्म नहीं थी। सो नेहा स्लीप एंड स्लीप। तो नेहा क्या करती रही, सोती रही सोती रही। द स्मॉल चिपी वर्ड्स विच कम टू द विंडो स्टिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग। जो छोटी छोटी चिड़ियाएँ थीं जो कि रोज़ सुबह आती थीं विंडो पर, उन्होंने वो आज भी आई, उन्होंने देखा कि नेहा अभी भी सो रही है। वर्ड्स, वेकअप डियर वेकअप फास्ट। तो चिड़ियाँ बोलती हैं, उठ जाओ डियर जल्दी उठ जाओ। नैरेटर, नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट। तो नेहा स्टार्ट मतलब शुरू उठना शुरू करती है, ऐसे अंगड़ाई लेके शुरू उठती है। नेहा, ओ नो इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इफ दिस बर्ड्स व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन। वो कहती है, अरे आज अलार्म क्लॉक नहीं है तो ये वर्ड्स आ गए, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। नैरेटर, इवन द विश ऑफ नेहाज कम ट्रू। तो क्या होता है, उसकी ये विश पूरी हो जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग देर इज़ नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, देर आर नो वर्ड्स ईदर। मतलब ना ही वहाँ कोई अलार्म क्लॉक थी और ना ही कोई चिड़ियाएँ थी। बट देर इज़ समवन एल्स हु डज़ नॉट वॉन्ट हर टू मिस द स्कूल बस। बट वहाँ कोई एक था जो वो नहीं चाहता था कि नेहा अपनी स्कूल की बस मिस करे। कैन यू गैस हु इज़ इट। अच्छा गैस करो कि कौन हो सकता है। द बिग ब्राइट सन, सन सूरज चाचा जी आ जाते हैं। ही फिल्स नेहाज रूम विद अ वार्म ब्लैंकेट। जब सुबह सुबह की रोशनी हमारे कमरे में पड़ती है तो कितनी अच्छी लगती है सुबह सुबह की प्यारी धूप। ऐसे ही नेहा के कमरे में सूरज चाचा की रोशनी पड़ के पूरे कमरे में रोशनी हो गई। नेहा, ओह माय आईज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, व्हाई कांट ही लेट मी बी। वो कहती, अरे मेरी आँखें, मतलब उसके जो सूरज की रोशनी है वो नेहा की आँखों में पड़ती हैं तो वो बहुत ज़्यादा चमकती हैं। तो वो कहती है, अब ये सन मुझे क्यों नहीं सोने देता, ये मुझे छोड़ क्यों नहीं देता मेरी हालत में। नैरेटर, इवन द विश ऑफ नेहाज कम ट्रू, इवन ये भी विश उसकी पूरी हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज़ बिहाइंड द क्लाउड्स।
नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, जो सूरज होता है वो बादलों से छुप जाता है जिससे कि उसकी रोशनी नहीं पड़ती। सो नेहा स्नोर स्टिल सी हियर्स हर मदर्स वॉइस। तो नेहा क्या किया, सोती रही क्योंकि उस दिन तो उसको कोई जगाने वाला था ही नहीं। जब तक उसकी माँ की आवाज़ नहीं आई तब तक वो सोती रही। मदर वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। तो मदर आती है, फिर वो उनको उसको बोलती है कि उठ जाओ स्लीपी हेड, तुम उठ क्यों नहीं जाती, नहीं तो तुम अपनी बस मिस कर दोगी। नेहा ओ नो व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप, अरे अब मम्मा क्यों मुझे जगा रही हैं। नैरेटर देर इज़ नो एस्केप नाउ, लेकिन यहाँ स्केप का कोई रास्ता ही नहीं था, आपको उठना ही पड़ेगा। नेहा गेट्स अप एंड गेट रेडी, नेहा उठती है और तैयार होने लगती है। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे, आप इमेजिन करो कि नेक्स्ट डे क्या हुआ होगा। नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट, नेहा खड़ी होती है एंड ही वॉच सेज इट्स 6 o'clock, उसकी घड़ी कहती है कि 6 बज चुके हैं। सी कॉल्स आउट हर मदर, तो अपनी माँ को बुलाती है। नेहा माँ हु वोक मी अप टुडे, तो वो पूछती है माँ आज मुझे किसने जगाया। मदर नैरेटर मदर स्माइल, तो उसकी माँ स्माइल करती है, मुस्कुराती है। मदर हु एल्स, यू ऑफ कोर्स, वो कहते हैं और कौन, तुम खुद ही उठ गई। नेहा बट आई वॉज स्लीपिंग हाउ कुड आई, लेकिन मैं तो सो रही थी मैं कैसे उठ गई। मदर नाउ टेल मी व्हाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 इन द आफ्टरनून, वो कहती अब तुम ये बताओ कि तुम डेली लंच 1 बजे ही क्यों करती हो। नेहा क्योंकि नेहा आई फील हंगरी, क्योंकि मुझे भूख लगती है। मदर व्हाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, तुम डेली 9 बजे क्यों सोती हो। नेहा बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद लगती है। मदर देयर इज़ अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू वेन टू ईट वेन टू स्लीप एंड वेन टू वेकअप, तो माँ ने उसकी बताया कि तुम्हारे अंदर ही एक अलार्म क्लॉक होती है जो कि आपको बताती है कि आपको कब खाना है कब सोना है और कब उठना है। नेहा ओ आई बेटर रस नाउ आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस, ठीक है अब मैं जल्दी करती हूँ मैं अपनी बस मिस नहीं करना चाहती। तो मदर क्या बोलती है, रिलैक्स टुडे संडे, मदर कहती है अरे आराम से आज संडे है। तो नेहा करती है ओ तो आज की कहानी यहाँ ख़त्म होती है। आई होप कि आपको सबको अच्छी लगी होगी। अब नेहा को उठना नहीं था तो वो उठ गई, तो इसलिए वो ओ ऐसे करके रह गई। ठीक है, तो हमने इस कहानी से क्या सीखा है कि जब कोई काम हमको करना रहता है तो एक अंदर ही हम एक क्लॉक रहती है अलार्म जो हमको बताती रहती है अरे इतने बजे हमें ये करना है, इतने बजे हमें ट्यूशन जाना है, इतने बजे हमें स्कूल जाना है। तो ये हमारे अंदर ही एक क्लॉक रहती है। अगर आपको कहानी समझ आई हो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी, और आपको इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ओके बाय।